नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मृत लोगों के जब सपने देखते हैं हम लोग, तो हम घबरा जाते हैं। ये पूर्वज हमारी क्या संकेत देना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कौन सी भाषा हमें हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी बिना कुछ कहे ये बहुत कुछ कह देना चाहते हैं। कहते हैं हमारे पूर्वज अगर खुश रहते हैं तो वो भी हमें संकेत देते हैं, अगर वो दुखी होते हैं तो वो भी संकेत देते हैं हमें। अब बात यहां आती है कि पूर्वज अगर हमें परेशानी के सपनों में दिखते हैं, तो आखिर ऐसा क्या हमसे भूल चूक हुई है जिसकी वजह से वो आज भी परेशान है, उनकी पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं तकलीफ में है। हमने कौन से ऐसे कर्म कर दिए जिसकी वजह से आज वो हमें संकेत देते हैं बार बार कि हम वहां भी सुखी नहीं है, वहां भी परेशान नहीं है। और वैकुंठ कहते ऐसा स्थान होता है जहां तो वो आत्माएं, पवित्र आत्माओं का पर्टिकुलर स्थान होता है, वहां विराजित तो होती हैं पवित्र आत्माएं, वहां पवित्र आत्माओं को एक शांति सुकून मिलता है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो हमें संकेत दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कुछ ज्यादा ही चूक हो चुकी है, जिसका हर्जाना शायद हम भुगत भी रहे हो कहीं ना कहीं किसी एंगल में, बट हम एहसास नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पितर पूज देने चाहिए, पितरों की शांति के लिए दान कर देना चाहिए, और जब भी पितृ पक्ष आता है तो कुछ खाने का, अन्न का, भोजन का दान कर देना चाहिए, बस हो गया। लेकिन कभी आपने ये रियलाइज किया है कि जब भी हम किसी से नाराज होते हैं या किसी के साथ झगड़ा करते हैं या किसी को सताते हैं या तकलीफ देते हैं जीवित लोगों को, तो क्या आप उन्हें खाना देकर के मनाते हैं या फिर मुंह से कहे हुए कुछ अल्फाजों से मनाते हैं, सॉरी कहते हैं, दोबारा नहीं ऐसी गलती करने का प्रण लेते हैं, तब वो मानते हैं क्या? मात्र आप खाने से मनवा सकते हैं उनको? नहीं मान सकते ना। तो आपके अंतर आत्मा से जब सॉरी निकलती है, अंतर आत्मा से जब क्षमा याचना होती है, तब पितर जल्दी मानते हैं। पहली कंडीशन आपको यही रखनी चाहिए कि पितर अगर आपको अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं सपनों के माध्यम से, तो सिर्फ खाना उसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन है कि उन्हें याद करना, स्मरण करना और उन्हें हर क्षण क्षमा मांगना, उनसे माफी मांगना कि जो गलती आपसे हुई है उसकी आप क्षमा करें और हमें परेशानियों से, मुक्तियों से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करें और आशीर्वाद दें, ताकि पीछे भी आप ही का ये परिवार है, आप ही के सदस्य हैं, शांति से और सुख से जीवन व्यतीत कर सके। चलिए अब हम संकेत बताते हैं कि जब जब पितर सपनों में आते हैं तो आपको अगर अलग अलग तरीके से कुछ संकेत देते हैं तो उसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आते रहते हैं कि पितर हमें ऐसे दिखे, पितर हमें ऐसे दिखे, तो हमें क्या करना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि है तो वो हमारे ही परिजन है, वो हमारे ही अपने जो आज हमारे बीच नहीं है, जो हमसे बिछड़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रूह, उनकी आत्मा हमें देखती जरूर है, हमारी इच्छाओं को भी देखती है। अगर हम पितरों से क्षमा मांग करके अपने घर की सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, तो सोचिए वो दिव्य आत्मा आपको आशीर्वाद तो देती है, लेकिन हमसे कहीं थोड़ी थोड़ी और भी चूक, और ये पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक चीज को समझने की जरूरत है, पितर आपका कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ते कुछ भी, वो संकेत देते हैं लेकिन आपका बिगाड़ते नहीं है। अपने संतान का कौन कुछ बिगाड़ता है, और माता पिता, बुजुर्ग, ये तो वैसे भी कहते हैं कि जी भर भर के आपको आशीर्वाद देते हैं। भगवान हर घर में नहीं जा सकता था, तो इसलिए तो उन्होंने हर घर के अंदर एक मां भेजी, मां का स्वरूप भेजा, भगवान का ही वो स्वरूप है मां। आज भले ही हम उसकी कदर नहीं करते हैं, आज भले ही हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है मां के लिए, क्योंकि आप इतने बड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि फिर क्या हुआ,
दे देंगे टाइम, थोड़ा सा है बोल देंगे जा करके, हेलो बोल देंगे, नमस्ते बोल देंगे, सॉरी बोल देंगे, लेकिन आपके पास कुछ वक्त नहीं है उनके साथ गुजारने का। अगर ये गलती आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट जो समय आप जिसको आपने बना रखा है ना, उसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट समय है अपने माता पिता के साथ कुछ समय व्यतीत करना। अब आती है बात कि हमें ऐसी कौन सी चीजें, ऐसे कौन सी संकेत देते हैं पितृ कि हम समझ जाएं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या है उनकी स्थिति, क्या है उनकी अवस्था। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि ये भ्रम है, ये वहम होता है, और विज्ञान तो इसको मानता नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक के आधार पर अगर हम देखें तो कहते हैं कि जिस चीज को हम ज्यादा सोचते हैं, जिस चीज के बारे में हम ज्यादा स्मरण करते हैं, जिस तरफ हम ज्यादा अपना ध्यान रखते हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं जब हम सोते हैं तो रिकॉल होती है हमारी माइंड के अंदर। तो कई बार एक कारण ये भी माना जाता है कि हम जब पितृ आत्मा के बारे में ज्यादा ज्यादा सोचते हैं तो वो हमें सपने में दिखने लगते हैं। ये एक अलग विषय हो जाता है मनोविज्ञान का, लेकिन अगर हम एक्चुअली समझें कि हमारे सपने में जब पितृ आते हैं, मान लीजिए पितृ आपको कोई अपनी इच्छा बता रहे हैं, बार बार सपने में बता रहे हैं, और वो भी खास करके जब अमावस्या का समय आता हो और उस समय पितृ आपको कुछ कहना चाह रहे हो, आगे पीछे क्यों नहीं आ रहे, बार बार अमावस्या के टाइम पर ही क्यों आ, क्योंकि अमावस्या का एक ऐसा समय होता है, कहते हैं जब भी हम किसी भोजन का अन्न का दान करते हैं अमावस्या के मौके पर, वो सारे हमारी दिवंगत आत्माओं को पहुंचता है, और पितृ पक्ष में भी जो हम चीजों का दान करते हैं वो हमारी पितृ आत्माओं को मिलता है। और अमावस्या का समय संकेत वो इसीलिए ज्यादा देते हैं कि अभी भी ये कुछ खास मौके हैं, कुछ खास समय है, आप क्षमा याचना भी कर लीजिए, और साथ के साथ हम आपको अपने संकेत के माध्यम से बता रहे हैं कि हम किस अवस्था में हैं। अब मान लीजिए कि वो अपनी इच्छा बार बार बताते हैं, जैसे कुछ खाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर खाना मांग रहे हैं, या फिर कुछ कह रहे हैं कि उन्हें कुछ प्यास लगी है, उन्हें भूख लगी है, उन्हें जल चाहिए, उन्हें चाय चाहिए, उन्हें मिल्क चाहिए, ये ना कुछ ऐसी इच्छाएं वो आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर सिर्फ सात्विक यानी वेजिटेरियन फूड का इंडिकेशन बार बार आता है तो वो आत्माएं शांत भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी तृप्ति के लिए वो कुछ अन्न का दान आपसे चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी क्षमा याचना भी, क्योंकि जो गलती आपने की है जिसकी वजह से वो आज सपनों में आकर के हमें कुछ संकेत दे रहे हैं, तो वो क्षमा याचना सबसे पहले होनी चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप आदर सहित करते हैं तो उसका लाभ ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि पितृ आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ दान की आपको सहयोग करना चाहिए, अमावस्या के समय ये सहयोग आपको जरूर करना चाहिए, और साथ के साथ आपको बहुत ही शांति के साथ क्षमा मांगते हुए इस दान को करना चाहिए। अब पितृ जो है आपको बहुत खुश दिखते हैं, कई बार भगवान के द्वार पे बैठे हों, पूजा भक्ति कर रहे होते हैं, और बार बार कुछ लोगों को वो पूजा भक्ति करते हुए दिखते हैं, भगवान का नाम जपते हुए दिखते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दिखते हैं, यानी पितृ आत्माएं आपको बहुत पूजनीय ऐसे पवित्र स्थानों में दिखती हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा उनका जिक्र करके बार बार अपने घर में उन्हें याद करके उन्हें डिस्टर्ब ना करें, वो तृप्त हैं, वो शांति से हैं, वो वहां खुश रहना चाहते हैं, वो वैकुंठ में बहुत ही सुरक्षित हैं वो आत्माएं, और बहुत शांत हैं वो आत्माएं। यानी कहते हैं कि किसी को बार बार रिकॉल करना, यानी उस एनर्जी को अपने पास बुलाना, तो इसका मतलब है कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अब जब भी परेशानी की अवस्था में दिखती है तो आप अवश्य दान जरूर करें। अमावस्या का एक ऐसा मौका होता है
जब आप अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी सहायता, उनका सहयोग कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, कच्चे अन्न का दान कर सकते हैं, पके हुए शाकाहारी अन्न का दान कर सकते हैं। इससे पितृ आत्माओं को शांति मिलती है, लेकिन वो तब शांत ज्यादा होते हैं जब आप क्षमा भी करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, उनसे बार बार क्षमा मांगते हैं और दोबारा ऐसी गलती ना दोहराने का प्रण करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, गलती की जो कहते हैं ना माफी, वो तब होती है जब हम दोबारा ना करने का प्रण लें। जो गलती हम बार बार करते हैं उसमें क्षमा नहीं मिलती है। तो ना करें ऐसी गलती और ना हमसे ऐसी कोई गलती हो। आज हमारे अपने अगर हमारे बीच में है तो हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। जो नहीं है उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे भी क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर भेजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष नहीं हो, आप चाहते हैं कि पितरों के कारण आपके घर में कोई परेशानी ना हो, तो यकीन मानिए आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचानी है कि जो भी लोग, जो व्यक्ति ऐसी हरकतें करते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचना जरूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।